कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए देश में लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान कई दिनों से लोग अपने घरों में बंद हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो अपने मनमर्जी के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में लोगों को काफी हताशा हो रही है। इस दौरान सरकार द्वारा कई तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रचार प्रसार कर प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को इससे बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। लोगों को कोई मनोरंजन नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ लोग इतने दिनों तक घरों में बंद हैं, जिस कारण से लोगों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने आज हमारे साथ परिचर्चा में मौजूद हैं TNB कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग के HOD डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी। डॉक्टर साहब आज हमें बताएंगे कि किस तरीके से मानसिक तनाव से बचा जा सकता है, किस तरीके से अपने दिनचर्या में बदलाव लाकर इन परेशानियों से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, SIL TV के स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और आप चूंकि मनोविज्ञान के जानकार हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, इतने दिनों तक घरों में कैद रहने के बाद क्या लोगों को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। और हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध जारी किए गए हैं, जिसकी वजह से लोग जो है अपने घर में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, उनकी आज़ादी छीनी जा रही है। ये सारी बात सही है, लेकिन ऐसे स्थिति में ऐसी जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है? लोग सोच रहे हैं कोरोना वायरस के संक्रमण से हमें सरकार जो है लॉकडाउन करके घर में रखी है, उनको चिंता सता रहा है, उनको भय हो रहा है, वो असुरक्षित हो रहे हैं। जो मान लीजिए कि उद्योगपति हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग सारे लोग जो प्रोफेशन में हैं, सब लोग जो है भयभीत हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और उनको ये लगता है कि जो कोरोना संक्रमण हो जाने से इनके कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, अगर मुझे हो जाएगा तो मेरा इलाज कैसे होगा, मेरा जान जोखिम में है। इस तरह की चिंता से सताने से वो भयभीत और असुरक्षित होने के साथ साथ उनको मानसिक तनाव उत्पन्न हो रहा है। ये वजह है लॉकडाउन हो जाने की वजह से। अब ये सवाल है कि लॉकडाउन जो लंबे समय तक है, लोगों की दिनचर्या भी अस्त व्यस्त हो चुकी हैं, आर्थिक रूप से भी पिछड़ते जा रहे हैं, रोजगार भी उनका छीना जा रहा है, उनका आय का स्रोत भी समाप्त हो जा रहा है, इस वजह से उनका मानसिक तनाव हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि इतने दिनों तक घरों में कैद रहने से कैसी कैसी मानसिक परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि जब कोई व्यक्ति को मानसिक तनाव हो जाता है ना, तो उनमें कुछ लक्षण आ जाते हैं जिससे आप ये एसेस कर पाते हैं कि इनको मानसिक तनाव हो गया। जिस व्यक्ति को मानसिक तनाव होगा, उनको निद्रा में कमी आएगी, वो ठीक से सो नहीं पाएंगे, और उसके बाद जो है उनको भूख में कमी आ जाती है, क्रोध हो जाता है, क्योंकि वो हताश फील करते हैं ना, इसलिए उनमें चिड़चिड़ापन का स्वभाव आता है, वो पूरी तरह से इरेटेड हो जाते हैं और बहुत जल्द गुस्सा में आ जाते हैं। वो अपनी पॉजिटिव बात भी आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं और वो चिड़चिड़ापन उनमें स्वभाव में आता है। ये सब चीज़ जो है ना, मानसिक तनाव हो जाने के आउटकम में व्यक्ति के स्वभाव में इस ढंग का परिवर्तन होता है। जी, मैं जानना चाहूँगा कि चूंकि लोग इतने दिनों से घरों में बंद हैं और दिनचर्या लोगों का डिसिप्लिन्ड नहीं रह गया है, क्या दिनचर्या में बदलाव लाकर इन सभी परेशानियों से निजात पाया जा सकता है? बिल्कुल, इसे सही दिनचर्या अपनाने से लोगों में मानसिक तनाव कम होगा। मैं इसके पॉइंट एक चीज़ आपको पॉइंट आउट कर देना चाहूँगा कि आप ये समझिए ना कि साइकोलॉजी में इसकी बहुत बृहद अध्ययन है, और जब आदमी मेंटल टेंशन में रहता है तो उसमें डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। वो डिप्रेस्ड होने लगते हैं, हताश की जीवन जीने लगते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आदमी का सारा दिनचर्या जो है वो गड़बड़ा जाता है, वो रूटीन वे में वो काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा वजह है कि आप देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से हैं कि भारत जैसे देश में कोरोना संक्रमण को भय को लेकर के भारत सरकार ने लंबे समय तक लॉकडाउन किया, और भय का भी माहौल है, चिंता का भी माहौल है। ऐसे माहौल में हमारे मनोविज्ञान में इसका स्पष्ट है कि अगर लंबे समय तक आपको तनाव है, भय है, आश्चर्य होता है, तो आपको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो है वो हम लोग जानते हैं कि एक मानव का जो शरीर बना है उसमें 8 सिस्टम्स होते हैं, और जैसे जैसे आदमी का एज में वृद्धि होती है ना, तो कोई ना कोई सिस्टम उनका कमज़ोर होता है।
वही मानसिक तनाव जो कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की जननी है, उसके वजह से आप बीमार हो जाते हैं। जो इसको कहते हैं मानसिक तनाव के क्या असर हो सकते हैं, ये सारे मानसिक तनाव के असर होते हैं। हाँ, तो इन सभी तनाव से बचने के लिए कहीं ना कहीं दिनचर्या में सुधार जरूरी है। बिल्कुल। और मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूँ, चूंकि आप मनोविज्ञान के जानकार हैं, प्रकांड हैं, क्या कोई, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई इंसान अगर मानसिक तनाव से ग्रसित है और आपसे परामर्श लेना चाहता है, तो क्या व्यक्तिगत तौर पर आप उनकी मदद करेंगे? बिल्कुल 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 मदद करूँगा, और एक हमारा एक दायित्व भी है समाज के प्रति। अगर लोग मानसिक तनाव में हैं, उनको हम बताएं, उनको कुछ परामर्श देंगे, सलाह देंगे कि आप किस ढंग से अपनी दिनचर्या को रखें जिससे आपके मानसिक तनाव, उसमें से कुछ चीज़ मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे साइकोलॉजी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो मानसिक तनाव को कम करने के जो तरीके हैं ना, वो तरीके ये हैं कि साहब देखिए, लॉकडाउन का पीरियड है, बहुत तरह का मैसेजेस आते हैं, लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो मैं सबसे पहले उनको सलाह दूंगा कि सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी मैसेज हैं, उसको बिना वेरीफाई किए उसको आत्मसात नहीं करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। सेकेंड चीज़ है कि आप अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों से हमेशा आप दूर रहें, हमेशा आप पॉजिटिव थिंकिंग करें, और अपने दोस्तों से भी अगर बात करते हैं, ठीक है लॉकडाउन का है, बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, तो आप अपने दोस्त से फेस टू फेस जाके बात नहीं करें या नहीं कर पाते हैं, तो आप उनसे मोबाइल पर जरूर संपर्क स्थापित करें, और उस जो भी बातचीत का सिलसिला हो आपका, वो सारा का सारा आपका सकारात्मक हो, माने कि पॉजिटिव थिंकिंग के थॉट को आपस में आप शेयर करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका मेंटल हेल्थ जो है ना, वो ठीक होगा। दूसरी बात है कि अभी सारे लोग घर में रहते हैं, अवॉइड करते हैं बाहर जाने से। सब लोग घर में रहने की वजह से क्या होता है, घर में बहुत सारा घरेलू काम भी होते हैं, आप अवश्य उस घरेलू काम में अपना हाथ बटाएं, इससे भी आपका मन लगेगा, और जितना देर तक आप रहेंगे घर में, आप अपने आप को बिजी सो करेंगे, इससे भी आपका मानसिक तनाव उत्पन्न नहीं होगा। ये एक सलाह है। साथ ही साथ है, आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे के साथ समय व्यतीत करिए, बच्चे के साथ उसकी कुछ पढ़ाई की, टीचिंग की बात कीजिए, उसके मनोरंजन की बात कीजिए, आप कुछ प्रेरक प्रसंग जो है अपने बच्चों को बताएं, और ये बच्चों के साथ आप इस ढंग से व्यवहार करेंगे ना, तो बच्चे भी मानसिक तनाव से ग्रसित नहीं हो पाएंगे, और तथा उनकी मॉरल शिक्षा, मतलब नैतिक शिक्षा में भी विकास होगा। अब प्लस घर में आप रह रहे हैं, तो आप कभी लूडो खेलें, शतरंज खेलें, कैरम बोर्ड खेलें, और मनोरंजन के अवसर को खुद से तलाश करें घर में इस पीरियड में, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा अक्सर करते हैं ना, तो आपको मानसिक तनाव कभी नहीं होगी। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ उसमें, कि आप योग प्राणायाम को जरूर अपने दिनचर्या में सम्मिलित कर दें। 45 मिनट्स मॉर्निंग वॉक, 45 मिनट्स इवनिंग वॉक। अगर आप वॉक करते हो ना, तो वॉक करने से क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रेस है ना, वो स्ट्रेस में कमी आएगी, और आप एक स्वस्थ जीवन जिएंगे और हैप्पी लाइफ जिएंगे। इतनी जानकारी के बाद मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ टिप्स बताएं, जिससे कि मानसिक तनाव को कहीं ना कहीं कम किया जा सके। बिल्कुल, मैं आपसे एक चीज और ऐड कर देता हूं सलाह में, के परामर्श के दृष्टिकोण से, कि आप अपने रूटीन में वॉक के अलावा भी जो है अपने दिनचर्या में संगीत, वैसा संगीत जो कि कर्णप्रिय हो, जो कि आपके कान को आपके मनोवृत्ति के अनुसार जो गाना पसंद है, उस गाना को आप अवश्य सुनिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि डांस भी एक ऐसी विधा है जिससे भी आपका स्ट्रेस कम होता है। लोग फास्ट म्यूजिक पे अगर डांस करते हैं ना, उससे भी मानसिक तनाव उनकी कमती है। और मैं आम लोगों के लिए मानसिक तनाव से दूर होने के लिए मैं 5-6 टिप्स बता रहा हूँ, और मेरा अनुमान है कि परामर्श के अलावा ये मैं जो टिप्स दे रहा हूँ, इस टिप्स को अगर अपने जीवन में फॉलो करते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलेगा और मानसिक तनाव से वो दूर रहेंगे। मैं टिप्स का पहला पॉइंट आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि तनाव दूर करने के लिए आप सुगंध का सहारा लें, परफ्यूम लें, ऐसा सुगंध जो कि आपको अच्छा लगे, अपने स्वभाव के अनुसार उस सुगंध का सहारा लें, और उस चीज़ से आप स्नान करें। जैसे आप गुलाब, नींबू, चमेली आदि का खुशबूदार जो भी चीज़ है, उसको लगा कर पानी में डालें, बाथटब में डालें,
या आपके घर में बाल्टी है, बाल्टी में उससे आप स्नान करेंगे तो आप अपने आप को फ्रेश भी फील करेंगे और इससे आपका तनाव भी दूर होगा। टिप्स नंबर वन ये है। दूसरी टिप्स ये है कि आप हर्बल प्रोडक्ट का मैक्सिमम यूज करें। बाज़ार में हर्बल प्रोडक्ट इजीली मिलता है, ब्राह्मी का हो या किसी चीज़ का हो, आप उस हर्बल प्रोडक्ट को अपने सिर पर उसका मसाज करें और मसाज करने के से धीरे धीरे जेंटली अपने सर पर मसाज करें, बाल को सहलाएं अपने उंगली से, इससे भी आपका मानसिक तनाव बहुत कमेगा। उसके बाद क्या है कि जो मिल्क पाउडर होता है ना, उसको एक कप में मिल्क पाउडर, थोड़ा सा नमक, गुलाब की पंखुड़ियाँ, गुलाब का तेल, 2 चम्मच बादाम का तेल मिला लें और नहाते वक्त उसको सारे को मिक्स करके वाटर में डाल के फिर आप बाल्टी से में ले करके उसको स्नान करें, उससे भी आपका मानसिक तनाव कमेगा। चौथा टिप्स ये है जो हम दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे, वो है तनाव भगाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट विधा है और बहुत सरल विधा है और हर घर में वो अवेलेबल भी है, मैं उसी को शेयर करना चाहता हूँ कि आप एक रंगीन कैंडल आपके घर में हो उसका यूज करें और जो डेकोरेटेड पॉट होते हैं जिसको हम लोग सजावटी पॉट कहते हैं, उस पॉट में जो है उसमें गुलाब, संतरा, चंपा, चमेली इत्यादि का उसमें जल डालें और कुछ सेंट जो परफ्यूम है ना उसका कुछ ड्रॉप डालें, तो उससे जो हल्की हल्की जो सुगंध आएगी और उसको आप लेंगे, आनंद लेंगे, तो उससे भी आपका मानसिक तनाव बहुत घटेगा। पांचवा ये है कि सुगंधित तेल से आप बॉडी को मसाज कीजिए। सुगंधित तेल के साथ साथ आपको मैं एक सलाह दूंगा कि 50 ml जैतून के तेल के साथ उसको मिक्स करें, अपने बॉडी को मसाज करें सर से लेकर के पांव तक, तलवे तक, इससे भी आपके मानसिक तनाव आएंगे। और छठा विज वेरी कॉमन थिंग कि आप गर्म पानी या गुनगुने पानी से आप स्नान करें, उससे आपके मानसिक तनाव के साथ साथ शारीरिक जो दर्द है, जो आप काम करते हैं लॉन्ग टाइम में पीरियड में टोटल आप स्टैटिक पोजीशन में रहते हैं, इसे कभी लोगों को कमर में दर्द, कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द और तनाव, उससे एक निजात पाने का एक सुलभ सरल तरीका है गुनगुने पानी से आप स्नान करें। चले बने आप 2 टाइम स्नान करें, आपका मानसिक तनाव कम जाएगा, आप एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ जाएंगे। चलिए, मैं ये इस बात पर यकीन करता हूँ और इस बात को मानता हूँ कि यदि आप इन टिप्स को अपने जीवन में लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको जरूर देखने मिलेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारा यह शो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यदि इस शो को आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए इन्होंने इतना अच्छा संदेश दिया जो अभी इस काल, इस कोरोना काल में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारे सिल्क टीवी के साथ बने रहें, हर एक खबरों को हम आप तक पहुँचाते रहेंगे क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।